हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपको मिलवाने वाली हूँ अपने टेरेस गार्डन के एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट से। देखिए, पिंक कलर का है, नाम है इसका कार्नेशन, ग्लो पिंक भी इसको बोलते हैं। देखिए कितना सुंदर है ये बड है। पूरा पौधे से मैं आपको मिलाती हूँ, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर होता है ये, दिख रहा है आपको। इसको कार्नेशन नाम से फेमस है, कार्नेशन ये पिंक कलर का है, रेड भी होता है ये, और भी कलर्स के होते हैं, पीच कलर में भी होता है ये। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है डायएंथस कैरियोफाइलस। और आप देख सकते हैं इसको उगाना बहुत मुश्किल नहीं होता है, जो ये देख रहे हैं यहाँ पे ये है, इसको तोड़ के आप लगाएंगे इजीली ग्रो कर जाता है। हमारे यहाँ ये अजीब सा रखा है, देख रहे हैं आप, यहाँ से टूटा हुआ है, यहाँ से टूटा हुआ है, यहाँ से टूटा हुआ है, ये पूरा तोड़ फोड़ हो रखा है। अदरवाइज ये बहुत गुच्छा बन जाता, तब मैं सोची थी इसको बांध दूंगी। ये देखिए अकेला सा है, मैं सोची थी बहुत सारी ब्रांचेस हो जाएंगी तो मैं इनको बांध दूंगी, लेकिन यहाँ पौड़ी में बंदरों ने इतना आतंक मचा रखा है, पता नहीं क्या मजा आता है इनको, ये देखिए तोड़ के चबाने में इस पौधे को, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। तो मैंने जैसे आपको बोला है इसको ग्रो करना आसान है, ये देखिए यहाँ से आप तोड़ के आराम से ग्रो कर सकते हैं। तो जो बंदरों ने खा पी कर फेंक दिए थे, तो मैंने उन्हीं को उठा के उन ब्रांचेस को, देखिए मैंने इस गमले में उगा रखा है, ये उग भी गया है। ये वाला तो देखिए इसमें बर्ड आने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने तोड़ दिया तो नीचे पड़ा हुआ, तो मैं उठा के इस गमले में लगाया। देखिए एक एक ये है, एक दो है और एक ये रहा, तीन तीन है ये, तीनों ने रूट पकड़ लिए, इसमें रूट आ गए, इसमें ठीक से ग्रो कर गए, सूखे नहीं है, तो इनको ग्रो करना आसान है। दूसरा तरीका ये है, जैसे ये हो रहा है, मैंने कुछ जहां ये दिख रहा है आपको, ये जो ये है ये मैंने किया है, इसी की जब ब्रांचेस लटकने लगी तो मैंने उसको मिट्टी में दबा दिया। जैसे ये है, इसको अगर मैं मिट्टी में दबा दूंगी तो वो क्या है, रूट पकड़ लेगी, वहीं पे ग्रो कर जाएगा। यहाँ पे ये है, एक ये है, एक यहाँ पे है, मैंने इसको ऐसे ही करके मिट्टी में दबा के नीचे लटका, मैंने मिट्टी में दबा दिया तो उसने वहां रूट पकड़ ली, वो ग्रो वहां पे नया प्लांट बन जाएगा। तो इस तरीके से भी हम क्या है इसको ग्रो कर सकते हैं। और ये ग्रीन तो पूरे साल भर ही, यहाँ तो ये पूरे साल भर ही ग्रीन रहे, और फ्लावरिंग अभी ये है जून का महीना, जुलाई, जून जुलाई, जुलाई तो अभी नहीं आया, मई जून, तो मई से इसमें फ्लावरिंग आनी शुरू हो गई थी। इसमें ये तीन चार बर्ड्स थी यहाँ पे, अभी दो ही दिख रही हैं, दो बर्ड्स बंदरों ने तोड़ दी है, मैंने यहीं पे डाली थी गमले में, दिख नहीं रही है। तो तीन चार बर्ड्स एक साथ आती हैं, बहुत बड़ी बर्ड्स होती हैं इसकी, और फूल भी काफी अच्छा होता है। ये तो बंदों ने छेड़छाड़ कर दी तब जाके ये ऐसा हो रखा है, फूल उतना सुंदर नहीं दिख रहा है, बहुत ही अच्छा होता है ये। जनरली ये विंटर का है, विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, विंटर में ही इसमें फ्लावर्स आते हैं, और नवंबर दिसंबर से ये मार्च अप्रैल तक खिलता है। पौड़े में थोड़ा ठंडा है, तो मेरे पौधे में ये अभी अभी जून का महीना, जून के महीने में फ्लावरिंग आने शुरू ही इसमें। इसके अलावा ये सन लविंग है, तो विंटर में 6-7 घंटे की धूप इसको चाहिए होती है, समर में 4-5 घंटे की, काफी है धूप। और धूप तो सन लविंग है, लेकिन इसको शेड में ही रखना ज्यादा ठीक रहता है, क्योंकि डायरेक्ट धूप से तो सारे पौधे क्या है मरते हैं। इसके अलावा इसकी मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, पानी नहीं जमना चाहिए, और क्योंकि पानी जमेगा तो जड़ें सड़ जाएंगी और पौधा मर जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि मिट्टी जो है वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, और खाद ही ज्यादा मांगता है। मैंने एक ही बार इसमें खाद दी है काउडंग, लेकिन आप अगर फ्लावरिंग चाहते हैं कि ज्यादा हो तो हर दूसरे महीने में आप इसमें काउडंग वाली खाद, ऑर्गेनिक खाद इसमें डालिए, नाइट्रोजन कम दीजिए। नाइट्रोजन वाली खाद आप डालेंगे तो ये क्या है लीव्स ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। फ्लावरिंग आपको चाहिए तो आप नाइट्रोजन के अलावा दूसरी खाद आप डाल सकते हैं इसमें। और इसके अलावा जो है
सर्दियों में जो है, क्योंकि सर्दी के बाद गर्मी में भी अगर आपको इसको बचाना है तो यहाँ पे मल्चिंग कर दीजिए। मल्चिंग में क्या होता है कि किनारे किनारे पे आप सूखी पत्तियां रख सकते हैं, जिससे क्या है टेम्परेचर जो वेरिएशन होता है उससे क्या है पौधा बच जाता है। ठीक है, सूखी लीव्स चारों तरफ आप रख दीजिए तो उसे बच जाएगा पौधा, टेम्परेचर वेरिएशन से बच जाएगा। पौड़ी में तो खैर ये टेरेस गार्डन के नीचे रहता है तो इतना ज्यादा इसमें फ्लावरिंग भले ही अभी है, साल भर हरा ही रहता है पौधा। और इसको जो विशेष ध्यान आपको रखना है, कभी कभी इसमें ना कीड़े लग जाते हैं पौधों में, तो जब कीड़े किसी भी पौधे में लगे उसके लिए कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। आपने नीम जो आता है, नीम ऑयल आता है, तो 2 चम्मच नीम ऑयल आप 1 लीटर पानी में डालिए और इसी तरीके से 2 चम्मच उसमें डिटर्जेंट डालिए, उसका स्प्रे कर दीजिए। अगर आपको लगता है कीड़े लग गए हैं तो स्प्रे पत्तियों में फूलों में आप करेंगे तो क्या है कीड़े खत्म हो जाएंगे। ग्रो करना मैंने आपको बता ही दिया है जो ये होता है, इससे आप इसको तोड़ के इसको निकाल के और लगाइए तो आपको क्या है नया पौधा मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे बड़ा हो रहा है, अगर मैं ज्यादा फ्लावरिंग चाहती हूँ तो मैं क्या है इसको कट करके हटा दूंगी, थोड़ा सा ज्यादा ही लंबा हो रहा है तो कटिंग करके कर दूंगी, कम कर दूंगी तो फ्लावरिंग क्या है और सुंदर हो जाएगी और ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या है कार्नेशन फ्लावरिंग प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, इसकी देखभाल कर सकते हैं और बहुत ही मुश्किल नहीं है इसको ग्रो करना, तो आप लोग भी अपने घर में इसको ग्रो कर सकते हैं इजीली। तो इसी तरीके से मैं और पौधों से आपको मिलाऊंगी अपने टेरेस गार्डन से। टिल देन बाय बाय।